तो गाइज क्या हुआ है आखिर सिडनाज के बीच में, क्यों ये जोड़ी फिनाले से एक महीने पहले आके यहाँ पर टूटते हुए हमें दिखाई दे रही है, क्यों सिद्धार्थ शहनाज से इतना खफा है, कि उनका दिल शहनाज से हट गया है अब, और क्यों यहाँ पर सिद्धार्थ ने बोला शहनाज गिल को कि जो अपने माँ बाप का नहीं होता वो किसी का भी नहीं होता, ये सब बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हेलो नमस्कार आदाब, मेरा नाम है शुसमर, ले आया हूँ आप लोगों के लिए बिग बॉस के घर से एक्सक्लूसिव खबर, आप देखते रहिए डॉलीवुड रिपोर्टर। तो गाइस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आपसे विनम्र अपील है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो रिपोर्ट मिल जाए सबसे पहले। तो गाइस क्या हुआ है सिडनाज के बीच में, एक्चुअली कल के एपिसोड में कुछ बातें हुई थी यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में जो मैंने नोट डाउन की थी आप लोगों को बताने के लिए, और आपको बताऊंगा कि इस पर क्या क्या बोला है किसने। तो सना यहाँ पर सिद्धार्थ से बात करते हुए नज़र आती हैं और बोलती हैं कि मैं लास्ट डे तुझे मना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिद्धार्थ जो है वो नाराज़ हैं सना से दो तीन दिन से। तो सना उनके पास आती हैं जो बाहर गार्डन एरिया है वहाँ पर सिद्धार्थ बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ पर आकर सना उन्हें बोलती हैं कि यार मैं तुझे लास्ट बार मना रही हूँ तू मान जा। तो इस पर सिद्धार्थ उन्हें बोलते हैं कि तेरे साथ मैं टाइम पास के लिए बातें नहीं करता था, टाइम पास के लिए मैं तेरे पास आके नहीं बैठता था, और तूने कुछ बातें मुझे 100 बार दिखा दी हैं और ऐसे लोगों से मैं दूर रहता हूँ। मैंने कई बार देखा 3 महीने तेरे को, तेरे तरीके को, बहुत बार बच्चा होके जाने दिया, ना समझ होके जाने दिया, बट ये भी पता है तू बहुत स्मार्ट है और काफ़ी बार तेरे टाइप के स्मार्ट लोग मुझे डम बना लेते हैं और मुझे वो पसंद नहीं है। इसके बाद सिद्धार्थ बोलते हैं कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ, और ऐसे लोगों से मैं दूर रहता हूँ, ऐसे लोगों से मैं बातें नहीं करता। तो शहनाज यहाँ पर काफ़ी हर्ट होती हैं इस बात से और शहनाज रोने भी लगती हैं। उसके बाद वो सिद्धार्थ को जाके बोलती भी हैं वॉशरूम एरिया में कि तुझे नहीं पता कि मेरी पास्ट क्या है, तो तू जज मत कर मुझे इस बात के लिए कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। शहनाज ने शायद ऐसा बोला था, सिद्धार्थ ने ऐसा सुना होगा कि शहनाज बोलती हैं कि वो अपने माँ बाप की सगी नहीं है। इस बात से ही जो सिद्धार्थ हैं वो काफ़ी हर्ट हुए थे और सिद्धार्थ शहनाज से नाराज़ भी हुए। तो शहनाज की इस बारे में क्या बैक स्टोरी है वो तो शहनाज को ही पता है क्यों वो अपने पेरेंट्स से इस तरह बोलती है उनके लिए, लेकिन सिद्धार्थ को ये बात बहुत बुरी लगी और सिद्धार्थ इसलिए यहाँ पर सना से काफ़ी खफा है। और अब आरती को सेव करने के बाद तो ये जो नाराज़गी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब शहनाज ने बोला है सिद्धार्थ को कि आई हेट यू, उसके बाद सिद्धार्थ बोलते हैं कि आपके लिए यही सही है। अब आगे क्या होगा सिडनाज का वो तो भाई आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाले एपिसोड बताएंगे और जो भगवान चाहता है वही होगा। तो गाइज अगर आप सिडनाज के फैंस हैं तो यार आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, तो फिर भी आपके सब पर क्या रिएक्शन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, मेरे चैनल को देखते रहना। कीप ऑन वॉचिंग द डॉलीवुड रिपोर्टर।